ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें छोटी या बड़ी क्यों दिखाई देती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें छोटी या बड़ी दिखाई देगी आंख पर बनने वाले विजुअल एंगल से। देखो, ये हमारी आंख है, ये रेटना है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है तो ये आईज पर इतना एंगल बनाएगी। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर कर दो, इसी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा दूर रख दो, तो आप ये देखेंगे कि आंख पर बनने वाला एंगल छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगी आंख पर बनने वाला एंगल उतना छोटा होगा, ठीक है ना। और अगर आंख पर बनने वाला एंगल छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखाई देती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इस तरह से जो बनने वाला एंगल है ये एंगल कहलाता है विजुअल एंगल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ये करते क्या है, आंख पर बनने वाले विजुअल एंगल को बड़ा करके बना देते हैं, इससे हमें ऑब्जेक्ट बड़ी दिखाई देती है, ठीक है ना। और इसमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है यूज करेंगे, एम इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। कहलाएगा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज करने के बाद जो इमेज आईज पर एंगल बनाएगा वो है बीटा, और अल्फा क्या होगा, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आंख पर बनने वाला एंगल कितना होगा, अल्फा, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करते क्या है, आंख पर बनने वाले एंगल को बड़ा करके बना देते हैं जिससे हमें ऑब्जेक्ट बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर कि नहीं? अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम देख लो किस तरह से बनेगा। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और आपको कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज उसी साइड बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कौन सा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके जाएंगी, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो रेज बिना किसी डेविएशन के निकल जाएंगी। अब आप ये देखो, आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेज कभी मिलेंगी नहीं, तो कहाँ मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर, ठीक है ना। तो इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिलती हैं, तो यहां पर बनेगी वर्चुअल इमेज। ए डैश बी डैश, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? और हम लोग देखते कहां से हैं, यहां से हम लोग इसको देखते हैं, हो रहा है क्लियर, ठीक है। तो इसने ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब आपको बताए थे मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या अप्लाई करना है, एम इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। बीटा कौन होगा, फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल,
तो आप ये देखो यहाँ पर फाइनल इमेज कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। और एक बात और है, माइक्रोस्कोप से आप पास की ऑब्जेक्ट देखते हो कि दूर की ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप से आप पास में देख रहे होगे, ठीक है ना। तो जो फाइनल इमेज बनती है पास में देखने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस पर बनना चाहिए उसको, इमेज को कम 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है ना, इसको हम लोग कह देते हैं कैपिटल डी। और कैपिटल डी इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैपिटल डी को ही हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब आप ये देखो, तो यहां पर बीटा और अल्फा एंगल कौन से होंगे, तो फाइनल इमेज आंख पर जो एंगल बनाती है ये कहलाएगा बीटा, तो अल्फा कौन सा एंगल होगा। अब आपको क्या करना है, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो अभी हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, लेंस को हटा लिया, ठीक है ना। फिर आपने खाली, यहां देखो पहले ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको कितनी खाली आंखों से रख के देख रहे हैं, कितनी सेंटीमीटर पर रख के देखना पड़ेगा इसको, आपको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसकी हाइट हमें इतनी दिखाई दे रही। इसके बाद आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखें लेकिन इमेज हमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही दिखाई देनी चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट को बहुत पास में रखा लेकिन इमेज तो 25 की दिखाई दे रही। इसके बाद आप लेंस को हटा देंगे और इसी ऑब्जेक्ट को आंख से कितनी दूरी पर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो कैसा दिखाई देगा देखो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो एंगल बन गया बीटा, अल्फा बनाने के लिए क्या करोगे, इसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखोगे और ये ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बनाएगा ये एंगल होगा अल्फा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अल्फा क्लियर हो रहा है। इसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखो और देखो जो भी एंगल बने वो कहलाएगा अल्फा, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब आप ये देखो, इसमें जितने भी डेरिवेशन हमें करने हैं, अल्फा और बीटा को हमें छोटा एंगल लेना है, अल्फा और बीटा अगर बहुत छोटे एंगल होंगे तो बीटा को आप लिख सकते हो टेन बीटा, अल्फा को आप लिख सकते हो टेन अल्फा, ठीक है ना। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, बीटा को लिखना है टेन बीटा, अल्फा को लिखना है टेन अल्फा, ठीक है ना। अब हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो टेन बीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, टेन बीटा इक्वल टू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो हम ट्राइंगल ले लें ए डैश बी डैश ओ या ए बी ओ, ठीक है। तो ए डैश बी डैश ओ से फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश या ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेन बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देख लो बेटा हो रहा है क्लियर इतना कि नहीं, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है टेन अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर रखा ए डबल डैश बी डैश और कितनी डिस्टेंस से आप देख रहे हैं, डी डिस्टेंस से, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा और आइस पर उसने जो एंगल बनाया वो कहलाएगा अल्फा, ठीक है ना। तो टेन अल्फा इक्वल टू इतना होगा, ए डैश ए डबल डैश बी डैश की वैल्यू क्या होगी, ए बी, ए डबल डैश बी डैश की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो ए बी अपॉन डी, ठीक है ना। टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के फार्मूले में या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इससे हमारा ट्राई हो जाएगा। एम इक्वल टू टेन बीटा की हम लोग कौन सी वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है ना, ए बी अपॉन ओ बी।
ए बी अपॉन ओ बी, और टेन अल्फा के लिए क्या यूज करते हैं, ए बी अपॉन डी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे क्या आ जाएगा, डी अपॉन ओ बी। पास में आ रही है, ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ से लेके बी तक की वैल्यू कितनी होगी, देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस होती है यू, और इमेज की लेंथ से डिस्टेंस होती है वी, सॉरी इमेज की लेंथ से डिस्टेंस होती है वी। क्लियर है इतना? तो m का फार्मूला क्या आ गया, m इक्वल टू डी ओवर यू, ठीक है, ये m का फार्मूला आ गया, डी ओवर यू। यहां तक क्लियर है बेटा? इसको दे दो एक क्वेश्चन नंबर टू। अब हमें वन अपॉन यू की वैल्यू फाइंड करनी है। लगभग सारे डेरिवेशन में हम लोग इसी टाइप एक ही पैटर्न पर चलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखो, अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, तो आप ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है, एफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में, तो भी की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस, यू की वैल्यू भी ले लेंगे माइनस, ठीक है ना। तो इससे क्या आ गया, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन भी इक्वल टू वन अपॉन यू, ठीक है। लगभग सभी केस में वन अपॉन यू की वैल्यू यही आनी है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं, तो एम इक्वल टू आ जाएगा डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन भी, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला ट्राई हो गया, ठीक है। अब आपको इसके बाद लेनी पड़ती है दो कंडीशन। एक बात और ध्यान रखना बेटा, साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें केवल फाइनल इमेज देखा करो, आप इसमें सिर्फ फाइनल इमेज देखो। अगर फाइनल इमेज सीधी बन रही है तो एम की वैल्यू प्लस होगी, और फाइनल इमेज उल्टी बन रही है तो एम की वैल्यू माइनस में होगी। तो आप इसमें साइन कन्वेंशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे आने वाली डेरिवेशन में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे कोई भी साइन मत लो, सिर्फ इमेज को देख लो। फाइनल इमेज अगर सीधी है तो एम की वैल्यू प्लस, फाइनल इमेज उल्टी है तो एम की वैल्यू माइनस, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो, इसके बाद हमें दो केस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट केस, इफ इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वजन, मतलब फाइनल इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पर बने, ठीक है ना। अगर फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने तो भी की वैल्यू डी के इक्वल होगी, तो एम इक्वल टू क्या होगा, डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। इससे एम की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस डी ओवर एफ, ठीक है ना। और ये कंडीशन कहलाती है अनरिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। आई की दो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलैक्स्ड आई और अनरिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है अनरिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। अनरिलैक्स्ड का मतलब पास में देखना, और रिलैक्स्ड का मतलब दूर होके देखना, ठीक है। इसके बाद देखो सेकेंड केस, जब भी पास से कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा आपको दो कंडीशन लेनी है, अनरिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड, ठीक है ना। तो भी की वैल्यू डी हो तो अनरिलैक्स्ड, और भी की वैल्यू इन्फिनिटी हो, ए भी इक्वल टू इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, ये कहलाती है रिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप भी की वैल्यू रख दो इन्फिनिटी, तो एम इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर एफ, ठीक है ना। कौन से केस में मैग्निफिकेशन जाना होगा, रिलैक्स्ड आई के केस में कि अनरिलैक्स्ड आई के केस में, तो आप कहेंगे अनरिलैक्स्ड आई के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू जाना होगी, ठीक है ना। तो ये फॉर हाई वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ एफ शुड बी लो, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ की वैल्यू लो होनी चाहिए, या पावर कैसा होना चाहिए, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम होती है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत अधिक होती है, ठीक है।
तो आप अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चलो एक बार फिर से देख लो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें दो लेंस का यूज करते हैं, एक लेंस आंख के पास में होता है तो वो कहलाता है आई लेंस, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ये बता दें कि कौन सा लेंस बड़ा होगा कौन सा लेंस छोटा होगा। आप लोगों को कम से कम टेलीस्कोप का शेप सबको याद होता है। ठीक है ना, टेलीस्कोप सबने देखा होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, टेलीस्कोप में बात समझना बेटा, इसी से कंपेरिजन कर रहे हैं। टेलीस्कोप में क्या होगा, यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं, इस तरफ होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो टेलीस्कोप में हमें मालूम है ये वाला लेंस कौन सा कहलाएगा ऑब्जेक्ट लेंस, और ये वाला लेंस कौन सा कहलाएगा आई, इसको कहते हैं आई पीस। ठीक है, कौन सा लेंस बड़ा होगा ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होगा, आई पीस छोटा होगा। ठीक है ना, जो लेंस बड़ा है उसकी फोकल लेंथ भी जाना होगी, इसकी फोकल लेंथ कम होगी। ये तो हो गई टेलीस्कोप की बात, लेकिन माइक्रोस्कोप का फंक्शन कैसा होता है। टेलीस्कोप से आप लोग देखते हैं दूर की ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइक्रोस्कोप से कहाँ देखते हैं पास की ऑब्जेक्ट, ये बात सबको मालूम है कि नहीं। तो जब फंक्शन दोनों के उल्टे हैं तो लेंस भी अपोजिट लगे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होगा और आईपीस कैसी होगी बड़ी होगी। ठीक है ना, फंक्शन भी एक दूसरे के उल्टे हैं, लेंस भी उल्टे लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप टेलीस्कोप को देख के इसे माइक्रोस्कोप का कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस छोटा होगा, ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होगा और आईपीस बड़ी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से देख लो एक बार। टेलीस्कोप में आपको मालूम है टेलीस्कोप में एक लेंस पास में होता है एक लेंस दूर होता है। ठीक है ना, जो पास में लेंस लगा है वो छोटा होगा, आगे वाला जो लेंस लगा है वो बड़ा होगा। ठीक है ना, तो जिससे आप देखते हो वो कहलाती है आईपीस, आईपीस छोटी होगी ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होगा, जबकि माइक्रोस्कोप में उसका अपोजिट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक साथ दो लेंस का यूज करते हैं, एक लेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेंस आईपीस से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस, इसके सामने होता है दूसरा लेंस आई पीस। ठीक है, तो यहां पे बना लेते हैं आई पीस, ठीक है बेटा, ये वाला लेंस हो गया आई पीस। ठीक है, अब आप ये देखो आई पीस के लिए ए डैश बी डैश कैसा वर्क करेगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और इसकी इंटरनल सेटिंग ऐसी होती है कि ये जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये हमेशा इसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी तो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के ही साइड में बनेगी। ठीक है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है ना, तो आप ये देखो इससे रेज कैसे निकालनी है, देखो जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, दूसरी रेज जो लेंस के पैरेलल जाती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, वो लेंस में टकराने के बाद इसके फोकस से जाएंगी। ठीक है ना, इसके फोकस से होके जाएंगी। अब आगे जाके दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी, तो ये रेज कहाँ मिलेंगी,
पीछे बढ़ाने पर, ठीक है ना। आपने इनको पीछे बढ़ाया और ये इस पॉइंट पे जाके मिल गई, तो ए डबल डैश बी डबल डैश कहलाएगी इसकी फाइनल इमेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और आप यहां से देखते हो इमेज, क्लियर है आपको, फाइनल इमेज कौन सी दिखाई दे रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना। अब एक बात इसमें, यह है ऑब्जेक्ट लेंस, इसका सेंटर ले लेते हैं ओ, ये वाला है आई पी, इसका सेंटर ले लेते हैं ई, ठीक है। अब आप ये देखो, ए बी ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं यू ओ, इसके लिए ये बनी इमेज, ये डिस्टेंस ले लेते हैं वी ओ। आई पीस के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, है जी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये इसके लिए लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, यू ई, और फाइनल इमेज, ठीक है, ये बनी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज से लेंस की डिस्टेंस को ले लेते हैं वी ई, ठीक है, क्लियर है इतना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, फार्मूला होता है एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, हो रहा है क्लियर इतना। अब टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन बीटा क्या कहलाएगा, फाइनल इमेज, आंख पर जो इमेज फाइनल लेंस, सॉरी फाइनल इमेज, आईज पर जो एंगल बनाए ये कहलाता है बीटा, ठीक है ना। तो कौन सा एंगल होगा बीटा, ये वाला, ये एंगल कहलाएगा बीटा, ठीक है ना। कहां से लिखोगे, टेन बीटा हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर वी, या ए डैश बी डैश ओवर यू ई, ठीक है ना। तो टेन बीटा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं ए डैश बी डैश ओवर यू ई, ठीक है। और टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन अल्फा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखते हैं, डी डिस्टेंस पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम लोग डी डिस्टेंस पर रखते हैं, आई से डी डिस्टेंस पर, ठीक है ना, अपनी आंखों से डी डिस्टेंस पर रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए बी ओवर डी, ठीक है ना। ये वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू टेन बीटा कितना हो गया, ए डैश बी डैश ओवर यू ई अपॉन टेन अल्फा, उल्टा करके इसको ऐड कर सकते हैं, डी अपॉन ए बी, ठीक है। ये आप चेक कर लो, एम इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर ए बी इंटू डी अपॉन यू ई, ठीक है। अब आप ये देखो, ए डैश बी डैश फर्स्ट वाले लेंस के लिए इमेज की हाइट है, ए बी फर्स्ट वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो एम इक्वल टू आप लिख सकते हैं एम ओ, एम ओ मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इंटू डी अपॉन यू ई। डी क्या है, देखो सेकेंड लेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस है यू ई, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है ना। लेंस से इमेज की डिस्टेंस अपॉन लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये भी कहलाता है मैग्निफिकेशन, किसका मैग्निफिकेशन होगा, एम ई, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के अलग अलग मैग्निफिकेशन फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 and 10, ठीक है, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो आपको क्या करना है, 5 into 10 करना है, आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
दोनों के अलग अलग मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करके आप उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? चलो अब आप इसमें ये देखो, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mo, ये हाइट के टर्म में लिखे थे, हाइट को आप डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस के टर्म में आप कैसे लिखोगे, vo ओवर uo, vo ओवर uo इनटू d ओवर ue। ठीक है, अब आप ये बताओ इसमें फाइनल इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही, फाइनल इमेज यहां पर इन्वर्टेड बन रही है। तो जब भी इन्वर्टेड बने तो आप पहले सारी वैल्यू पुट कर दो और इसके बाद आप इसमें माइनस लगा दो। ठीक है ना, इंडिविजुअल साइन चेक करने से अच्छा है कि आप कंपाउंड रूप सबसे लास्ट वाला साइन चेक कर लो। ठीक है ना, पहले सबकी वैल्यू लिख दो और लास्ट में आप ये देखो कि अगर फाइनल इमेज उल्टी बने तो माइनस लगा दो और फाइनल इमेज सीधी बने तो प्लस लगा दो, बस। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू, अब आप इसमें देखो बाय यूज ऑफ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है ना, लेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए है तो आप यहां पर एफ ई वी और यू ई लगा दो। अब इनके साइन कन्वेंशन देखो, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एफ कैसा होगा, प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। वी कैसा होगा, माइनस, और यू ई कैसा होगा, माइनस। ठीक है ना, सारे केस में लगभग ऐसा ही आता है, हर केस में हमें ऐसा ही फाइंड करना होता है। तो इससे क्या आ जाएगा, 1/fe + 1/v = 1/up। ठीक है ना, ये वैल्यू बेटा पुट कर दो इसमें इक्वेशन नंबर वन में, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -vo/uo साथ में d, 1/ue की वैल्यू क्या होगी, 1/fe क्या आई, 1/fe + 1/ve। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m = -vo/uo d 1/fe + 1/ve। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। अब आप ये देखिए, इसके बाद हम आई की दो कंडीशन देखते हैं। ठीक है, एक होती है अनरिलैक्स्ड आई। अनरिलैक्स्ड आई के केस में क्या होगा, फाइनल इमेज बनती है टी पर। ठीक है ना, जो फाइनल इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पर बनती है, डी डिस्टेंस पर। तो इसके लिए आप वी की वैल्यू डी पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, -vo/uo, डी का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, डी ओवर डी हो गया 1 + d/fe। ठीक है ना, ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे फाइंड करेंगे इस केस में, लेंथ ऑफ ट्यूब होती क्या है, इन दोनों लेंथों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, vo + ue। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस देखते हैं, रिलैक्स्ड आई का केस। ठीक है ना, रिलैक्स्ड आई इस केस में क्या होगा, रिलैक्स्ड आई का केस होता है जब वी की वैल्यू इन्फिनिटी पर बने, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बने। ठीक है ना, तो वी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -vo/uo d/fe। ठीक है ना, ये हो गया रिलैक्स्ड आई। इसके बाद देखें इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, देखो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखी हो फोकस पर। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, vo + fe। ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी vo + fe। ठीक है, अब कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि हमें लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन हो। ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन हो और मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, तो इसका हम एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लगभग फोकस पर रखी है, नियरली फोकस पर रखी है, तो uo की वैल्यू नियरली इक्वल होगी fo के, uo नियरली इक्वल टू fo। ठीक है ना, और लेंथ ऑफ ट्यूब कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ue बहुत पास में होता है इस लेंथ के। ठीक है ना, तो l नियरली इक्वल टू होगा vo। ठीक है ना,
यहां से लेके यहां तक की लेंथ यूई बहुत पास में होगा, ये जो इमेज बनती है ये इसके बहुत पास होती है, ठीक है ना। तो नियरली हम लेंथ ऑफ ट्यूब को ले सकते हैं वीओ के इक्वल, ठीक है ना। अब इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो एम का फार्मूला क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू माइनस एल ओवर एफ ओ डी ओवर एफ ई, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। अब आप चाहते हो हाई वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, फॉर हाई वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ एफ ओ एंड वैल्यू ऑफ एफ ई बोथ शुड बी लो, ठीक है। अगर एफ ओ और एफ ई की वैल्यू लो होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, हाई, ठीक। टेलीस्कोप हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, पहला है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप लोगों को मेनली पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके बाद इसमें कुछ चेंज करके बनाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। तो पहले आप देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे बनता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से क्लियर है, किसके काम आएगा, हेवनली बॉडीज को देखने के, ठीक है ना। तो आप ये देखो इसका रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये लेंस हो गया ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके काम आएगा, हेवनली बॉडीज को देखने के, ठीक है ना, चांद सितारे देखने के काम आएगा। इसमें फाइनल इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है ना। अब इसमें है चांद सितारे आप देख रहे हो, तो चाहे उल्टा देखो या सीधा देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो आप ये देखो सबसे पहले हमने बना लिया ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर होगी, देखो हेवनली बॉडीज को देखने के काम आएगा, तो ऑब्जेक्ट पास में तो होगी नहीं, ऑब्जेक्ट होगी इन्फिनिटी पर, तो हमें केवल रेज दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो हम इसमें ऐसा लेके चलते हैं कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगी, इसके फोकस पर, इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पर मिलेंगी, तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी और इमेज ये बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके सामने हम लोग रखते हैं दूसरा लेंस, कौन सा लेंस, आई पीस, ठीक है ना। आई पीस भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ, ये हो गया आई पीस, ठीक है। अब आई पीस के लिए ये वाली इमेज कैसा काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, ठीक है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो देखो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएंगी, और जो रेज फोकस से जा रही है वो रेज कहां से निकल जाएंगी, सॉरी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो इसके फोकस से आ जाएंगी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगी तो इमेज कैसी बनती है, उसी साइड बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो आप ये देखो ए बी से जाने वाली एक रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे निकल जाएगी, दूसरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। ये वाली रेज कहां से जाएगी, फोकस से, ये इसका फोकस होगा, ठीक है ना। आगे जाके दोनों रेज नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, पीछे जाके, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज इस पॉइंट पे बनेगी फाइनल इमेज, ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। अब इनको नाम देते हैं, देखो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, इमेज कहां बनी, फोकस पर, किसके फोकस पर, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, ठीक है। यह है ऑब्जेक्ट लेंस और यह है आई पीस। तो फर्स्ट इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, ठीक है ना।
अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, यू ई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यू ई, और ये इसके लिए फाइनल इमेज है, ये कहलाएगी फी ई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ, हो गया बेटा इतना क्लियर। अब आप ये देखो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनल इमेज यहां से हम लोग देखते हैं, फाइनल इमेज आंख पर जो एंगल बनाएगा ये कहलाएगा बीटा, ठीक है। अल्फा कौन सा होगा, आपने टेलीस्कोप हटा दिया, दोनों लेंस हटा दिए, और आप हेवनली बॉडी चांद या सितारे को आप देख रहे हो खाली आंख से, तो उसने आपकी आईज पर जो एंगल बनाया वो कहलाएगा अल्फा, तो अल्फा हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे सर एंगल तो बनना चाहिए यहां पर, तो इसको अल्फा क्यों ले लिया, तो आप खुद सोचो कि चांद की या सितारों की, ठीक है ना, स्टार्स की या मून की, ठीक है ना, दोनों अर्थ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, और करोड़ों किलोमीटर के कंपेरिजन में ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ठीक है, जाना से आना 1-2 मीटर का होगा, ठीक है ना। तो आप खुद देखो कि आप चांद को देख रहे हैं या स्टार्स को देख रहे हो, और आप 2 कदम आगे बढ़ के देख रहे हैं, तो क्या आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्या 2 कदम पीछे हट के देख रहे हैं या 2-3 कदम आगे आके देख रहे हैं, तो क्या आपको स्टार्स की वैल्यू एकदम से चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्या नहीं देगी। करोड़ों किलोमीटर के कंपेरिजन में 1-2 मीटर का कोई मायने नहीं रखता है, तो एंगल चाहे हम यहां बनाए या यहां बनाए एक ही बात है, ये एंगल अल्फा कहलाएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे बनने वाला एंगल। अब आंख चाहे यहां हो या यहां हो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अब आप ही देख लो एंगल क्लियर हो रहा है एकदम के नहीं हो रहा है, ये बताओ, ठीक है। अब आप ये देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू फार्मूला है बीटा ओवर अल्फा, ठीक है, एंगल सबस्टेंडेड बाई इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबस्टेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है। अब अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन बीटा ओवर टेन अल्फा, ठीक है। टेन बीटा की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, टेन बीटा की वैल्यू हम लोग इस वाले ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, ए डैश बी डैश ओवर यू ई, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, एम इक्वल टू टेन बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश ओवर यू ई, कौन से ट्राइंगल से आया, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, ठीक है, ओवर टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन अल्फा की वैल्यू हम लोग इस वाले ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ओ ओवर यू ई, ठीक है। इसके बाद आप ये बात और देखो कि इसमें फाइनल इमेज सीधी बनती है कि उल्टी बनती है, फाइनल इमेज कैसे बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है ना। और जैसे भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हम इसमें क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है ना। अगर फाइनल इमेज सीधी बनती है तो एम की वैल्यू होगी प्लस में, और फाइनल इमेज उल्टी बनती है तो आपको इंडिविजुअल एक एक साइन देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पे लगा दो माइनस एफ ओवर यू ई, ठीक है, हो गया इतना क्लियर, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमें मेनली फाइंड करनी है 1/UE की वैल्यू, तो सारे डेरिवेशन में हम लोग ऐसे ही करते थे, लेंस फार्मूला अप्लाई करना, 1/F=1/V -1/U, लेंस फार्मूला किसके लिए अप्लाई करना, फॉर आई पी, ठीक है ना। तो यहां पर एफ ई वी और यू ई, अब साइन कन्वेंशन देखो, कॉन्वेक्स लेंस है ये प्लस होगा, वी की वैल्यू भी नेगेटिव साइड है, यू की वैल्यू भी नेगेटिव साइड है, ठीक है ना, तो यू भी माइनस होगा, वी भी माइनस होगा। पहले भी हमने आपको बताया था कि जब फार्मूला वेरीफाई करते हैं तो सारे साइन लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तीनों के साइन हमने रख दिए। अब आप ये देखो इससे क्या आ जाएगा, 1/FE प्लस 1/V इक्वल टू आएगा 1/UE, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस एफ ओ, माइनस एफ ओ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी ई, ठीक है। अब इसके बाद इसकी दो कंडीशन होती है, रिलैक्स्ड आई एंड अनरिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस हम लोग अगर ले लें रिलैक्स्ड आई वाला, ठीक है, रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर, ठीक है। मतलब यू ई की वैल्यू कितनी होगी, यू ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ई, ठीक है। अब इससे मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ ओवर एफ ई, ठीक है, हो रहा है क्लियर। माइनस एफ ओ ओवर एफ ई, और इससे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस, देखो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। सेकेंड केस है रिलैक्स्ड आई, सेकेंड केस है रिलैक्स्ड आई, सॉरी अनरिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई हो गया, अनरिलैक्स्ड आई, इसका मतलब वी की वैल्यू कहां बन रही है, डी डिस्टेंस पर, ठीक है। ये आप रख देंगे तो एम का फार्मूला क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओ, एफ ओ ओवर एफ ई प्लस एफ ओ ओवर डी, ठीक है। ये आ गया अनरिलैक्स्ड आई का केस। अब बट आप ये देखो इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी इस केस में, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब होगी एफ ओ प्लस यू ई, ठीक है। ये इसके सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। देखो अब आप चाहते हो कि टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाई हो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया, एफ ओ ओवर एफ ई। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आपको लेनी है रिलैक्स्ड आई वाला केस, ठीक है ना। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, एफ ओ ओवर एफ ई, ठीक है। तो फॉर हाई वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एफ ओ शुड बी लार्ज एंड एफ ई शुड बी लो, ठीक है ना। एफ ओ की वैल्यू जाना होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ जाना होनी चाहिए या पावर कम होनी चाहिए, और एफ ई की पावर जाना होनी चाहिए या फोकल लेंथ कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि माइक्रोस्कोप में क्या था, एफ ओ और एफ ई दोनों की फोकल लेंथ कम होना चाहिए या दोनों की पावर हाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ पूछते हैं कि आप टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, और देखो ये आप टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना, और इसके आधे पोर्शन को अगर हम ब्लैक कर दें या इसके आगे मक्खी बैठ जाए, ठीक है ना, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें इमेज कैसी दिखाई देगी। आप कहोगे इमेज तो हमें फुल दिखाई देगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर इसका आधा पोर्शन ब्लैक कर देंगे तो ऐसा नहीं कि इमेज आपको आधी दिखाई देगी, इमेज तो आपको पूरी ही दिखाई देगी, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज आपको धुंधली दिखाई देगी, ठीक। अब आप ये देखो बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी, ठीक है ना। इन्वर्टेड इमेज बनने से अगर आप इसको अर्थ पे यूज कर रहे हो तो आपको उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी आदमी को आप देख रहे हो और आपको उल्टा उल्टा दिखाई दे वो, ठीक है ना, पैर ऊपर दिखाई दे, सिर नीचे दिखाई दे, तो आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो इस वाले टेलीस्कोप का यूज हम अर्थ पर देखने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से फाइनल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, तो इसका यूज हम लोग अर्थ में देखने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जिससे फाइनल इमेज इरेक्ट बने, फाइनल इमेज सीधी बने। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक साथ तीन लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, आई पीस, और इसके अलावा एक और लेंस होता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग लेंस, ठीक है ना। तो आप ये इसका रे डायग्राम देख लो पहले कैसा होता है। देखो
एक लेंस हो गया इसमें ऑब्जेक्ट लेंस, अब आप ये देखो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है ठीक है ना, तो हमें केवल रेस दिखाई देंगी, इस तरह से रेज आ रही है और ये कहां पे मिलेंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, और ये बनेगी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर हो रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग सेकंड लेंस यूज करते हैं इन्वर्टिंग लेंस, ठीक है ना, इसके बाद एक और लेंस यूज करते हैं इन्वर्टिंग लेंस, और इन्वर्टिंग लेंस को इस तरह से रखा जाता है कि इसके जो फर्स्ट इमेज बनी है ठीक है ना, इस वाले लेंस सॉरी इन्वर्टिंग लेंस और इस ऑब्जेक्ट इस इमेज की डिस्टेंस 2f के इक्वल हो, ठीक है ना, ये कहलाएगा इन्वर्टिंग लेंस, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। देखो इसकी फोकल लेंथ अगर हम ले लेते हैं एफ आई, ठीक है ना, तो ए डैश बी डैश से इसकी डिस्टेंस होती है 2fi, ठीक है ना, इस लेंस को इस तरह से ही रखा जाता है कि ये 2fi की डिस्टेंस पर आए, ठीक है ना। अब आपको बेटा ये मालूम है कि अगर किसी भी लेंस से 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, ठीक है ना, और कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। तो आप ये देखें ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज सीधे चली जाएगी, ठीक है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो इसके फोकस से जाएगी, दोनों रेज यहाँ मिल जाएंगी, इससे जो इमेज बनेगी वो होगी ए डबल डैश बी डबल डैश सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना, और ए डैश बी डैश की वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक लेंस और रखते हैं, ये होता है आई पीस, ठीक है, और आई पीस को इस तरह से रखा जाता है कि ए डबल डैश बी डबल डैश से आई पीस की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो, मतलब ये जो इमेज बनी है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, ठीक है ना। तो आप ये बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी, अब ये कौन सा लेंस कहलाएगा, आई पीस, ठीक है। अब आप ये देखो इमेज कैसी बनेगी, इससे पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से जाएंगी और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएंगी, ठीक है ना, ये दोनों रेज आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, तो कहां मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर, और ये बनेगी इसकी फाइनल इमेज ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, ठीक है। और यहां से आप देखते हो, ठीक है, तो आपको फाइनल कौन सी इमेज दिखाई देगी, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, और फाइनल इमेज कैसी बनती है इसमें, सीधी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसलिए हम लोग इसका यूज कहां पे करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है ना, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने में हम इस लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, यू तो इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, ये कहलाएगा एफ ओ, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 2fi, 2f पर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी, ये भी होगा 2fi, इसके लिए ये क्या होगा, ue, और फाइनल इमेज से डिस्टेंस कितनी होगी, ve, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। देखो रे डायग्राम एकदम क्लियर है,
चलो अब हम इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बीटा क्या होगा, अल्फा क्या होगा। फाइनल इमेज आंख पर जो एंगल बनाए, ये वाला एंगल कहलाएगा बीटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आइज पर जो एंगल बनाता है ये कहलाता है अल्फा, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया अल्फा। यहां तक क्लियर है? अब फार्मूला कैसे फाइंड करते थे, हमें मालूम है एम इक्वल टू होता है बीटा ओवर अल्फा इक्वल टू टेन बीटा ओवर टेन अल्फा। क्लियर है इतना? अब हमें टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो टेन बीटा की वैल्यू आप देखो कहां से लाएंगे, देखो टेन बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इस वाले ट्रायंगल से, ए डबल डेस बी डबल डेस ओवर यू ई, ठीक है। ए डबल डेस बी डबल डेस ओवर यू ई, ठीक है। टेन अल्फा की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इस वाले ट्रायंगल से, ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, ठीक है। ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, तो इसको उल्टा करके लिखते रहे, एफ ओ ओवर ए डैश बी डैश, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब आपको यह मालूम है अगर किसी लेंस से 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो तो 2f डिस्टेंस पर ही इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश इक्वल होंगे, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा ए डबल डैश बी डबल डैश, क्यों होगा, इस लेंस से 2f की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी है तो 2f की डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी, और कैसी इमेज बनेगी, इक्वल साइज की, ठीक है ना। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ओ ओवर यू ई, ठीक है। अब आप ये देखो फाइनल इमेज कैसी बन रही है, सीधी की उल्टी, फाइनल इमेज इसमें इरेक्ट है तो m की वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, वन अपॉन यू ई की। कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूज ऑफ लेंस फार्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। कौन से लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई पीस के लिए, तो वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई, ठीक है। साइन कन्वेंशन रखो, कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला प्लस, ठीक है, लेफ्ट साइड दोनों के माइनस, ठीक है ना। इससे क्या आ जाएगा, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू आएगा वन अपॉन यू ई, ठीक है। ये वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। देखो इससे m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आएगा एफ ओ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम लोग दो केस में वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट केस है रिलैक्स्ड आई और सेकंड केस है अनरिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के केस में फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, वी की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। काउंट करते हैं एफ ओ प्लस टू एफ आई प्लस टू एफ आई प्लस फाइनल इमेज कब बनेगी इन्फिनिटी पर, जब ये रखी होगी फोकस पर, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, एफ ओ प्लस फोर एफ आई, एफ आई मीन्स इन्वर्टिंग लेंस की फोकल लेंथ, प्लस एफ ई, ठीक है। ये होगी इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं, फॉर अनरिलैक्स्ड आई, अनरिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। अनरिलैक्स्ड आई का केस क्या कहलाता है, जब फाइनल इमेज डी पर बने, ठीक है, फाइनल इमेज डी पर बने, तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ वन प्लस एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ठीक है। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, इस वाले केस में लेंथ ऑफ ट्यूब
दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस होगी, एफ ओ प्लस टू एफ आई प्लस टू एफ आई प्लस यू पी, एफ ओ प्लस फोर एफ आई प्लस यू पी, ठीक है, ये होगी इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब।